आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। पावर बाय विदर्भ का सबसे बड़ा फर्नीचर मॉल MR फर्नीचर मॉल। यहां होम, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी प्रकार की दुकान के कस्टमाइज फर्नीचर MR फर्नीचर मॉल में बना कर दिए जाते हैं। पता MIDC नंबर 4, प्लॉट नंबर 76, कुम्भारी रोड, अकोला। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विभाग की ओर से शुक्रवार से आयोजित 3 दिवसीय शिवार फेरी एवं फसल प्रात्यक्षिक प्रतियोगिता का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया। इस मौके पर उन्होंने अकोला कृषि विश्वविद्यालय को गन्ना फसल उपज में वृद्धि के लिए संशोधन एवं चरणबद्ध तरीके से मार्गदर्शन शिविर आयोजित करने की सूचना दी। अकोला शहर में हर्ष उल्लास के वातावरण में संपन्न हुई गणपति विसर्जन शोभा यात्रा, जिसमें कुल 45 गणेश मंडल सहभागी हुए, जिनमें 5 अखाड़े थे। सुबह 11 बजे शुरू हुई शोभा यात्रा रात 2 बजे तक चली। पुलिस के कड़े बंदोबस्त में ये शोभा यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। श्री गुजराती नवरात्रि महोत्सव समिति का गुरुवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर स्थानीय मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। स्थानीय मुंगीलाल विद्यालय मैदान में भव्य गरबा उत्सव का आयोजन 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा। भूमि पूजन समारोह में शहर के विधायक सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में महानगर कार्यकारिणी की घोषणा की। शहर अध्यक्ष जयंत मुसने ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व नगर सेवक एवं पूर्व सभापति पवन पाडिया को नगर उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। पवन पाडिया पार्टी की स्थापना के समय से ही पार्टी में काम कर रहे हैं। वो अकोला के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। MIDC फेज नंबर 4 में शुक्रवार की दोपहर 1 चलते आयश ट्रक के केबिन में अचानक आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि ट्रक चालक बुरी तरह झुलस गया। इस बीच इलाके के लोगों ने तुरंत ट्रक चालक को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। इस बीच दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रक में लगी आग पर काबू पा लिया। जिला स्तरीय लोकशाही दिन जिलाधिकारी अजीत कुम्भार की अध्यक्षता में मंगलवार 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे लोकशाही सभागृह में लोकशाही दिन आयोजित किया है। संबंधित प्रणाली ने प्रलंबित शिकायतों का अनुपालन रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहे। यह निर्देश विविध विभागों को दिए गए हैं। 2000 रुपए के नोट बदलने की आखिरी तारीख आज 30 सितंबर है। तारीख बढ़ाने या न बढ़ाने को लेकर शुक्रवार शाम तक RBI की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। इससे पहले RBI ने 2 सितंबर को कहा था कि प्रचलन में शामिल 2000 के 93% नोट बैंकों में लौट चुके हैं। इनमें 87% बदले गए हैं। महापारेषण के अकोला और कौंजा उपकेंद्रों में स्क्रैप की बिक्री में घोटाला करने के आरोप में 1 कार्यकारी अभियंता सहित 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि दोनों जगहों से 85,210 किलो स्क्रैप में से 4,775 किलो स्क्रैप का हेराफेरी की गई। अकोला महानगर पालिका के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुख्य सभागृह में स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा विलगीकरण व उस पर की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने कार्यशाला का आयोजन किया गया। शालेय छात्रों को उपस्थित अधिकारियों ने विस्तृत मार्गदर्शन किया। अमरावती पुणे विशेष ट्रेन को यात्रियों को उत्स्फूर्त प्रतिसाद एवं उक्त ट्रेन के प्रति यात्रियों की डिमांड को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से फेरियों में विस्तार किया गया। ट्रेन क्रमांक 01439 पुणे से अमरावती द्वि साप्ताहिक स्पेशल को 1 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।